हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच के आपने अपना वैल्यूबल टाइम इस चैनल को दिया। तो सबसे पहले तो आज जो अपनी रेसिपी है तवा पुलाव, वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो रिक्वेस्टेड रेसिपी है जो चेन्नई से चेतना जीवानी ने की है हमको रिक्वेस्ट। तो बहुत ही अच्छा लगा जब अपना व्यूअर अपने को एक कोई रिक्वेस्ट भेजता है और हम रेसिपी बनाते हैं। तो रियली थैंक यू सो मच चेतना जीवानी, दिस इज़ फॉर यू एंड माय वैल्यूएबल ऑल व्यूअर फॉर तवा पुलाव, बॉम्बे स्टाइल तवा पुलाव जो बहुत ही फेमस है, बॉम्बे का ये चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव। फ्रेंड्स, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, जब भी आप ये रेसिपी अपने किचन में ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बेहद पसंद करने वाले रेसिपी, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बिल्कुल अपने घर के ही सामान से बन जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी वे से हम बना सकते हैं अपना ये तवा पुलाव, और एकदम चटपटा स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव आज हम बनाने जा रहे हैं। और ये फ्रेंड्स, मज़े की बात ये है कि आप जब तवा पुलाव बनाएंगे तो ना ही इसमें कोई सब्ज़ी की ज़रूरत होगी, ना ही दाल की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तवा पुलाव खुद ही अपने आप में एक वन पॉट मील है। तो ये बॉम्बे का बहुत ही फेमस चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव अपने आप में एक वन पॉट मील होने के कारण आपको उसके साथ और कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आप उसके साथ रायता सर्व कर दो, थोड़ा सलाद सर्व कर दो, तो अपने आप ही एक फुल मील डिश बन जाएगी अपनी रेसिपी। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपको इसके आगे कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बहुत ही अमेजिंग ये आज की रेसिपी है, तो हाईली रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आपको भी बहुत पसंद आने वाली है और आपकी फैमिली भी बेहद पसंद करने वाले है आज की ये रेसिपी, बॉम्बे स्टाइल फेमस चौपाटी तवा पुलाव। तो लेट्स गेट स्टार्ट, बनाते हैं अपनी ये रेसिपी। तो चलो देखते हैं कि उसे बनाते कैसे हैं फ्रेंड्स। तो गाइस, बॉम्बे का फेमस चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो काम करना है वो है हमें अपना चावल को कुक करना, राइस पकाना। तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर हमने लिया है 2 कप चावल लिया है, बासमती चावल लिया है। तो सबसे पहले तो हम उसे वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले जो उसका क्लाउडी वाटर रहेगा वो जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हमें उसे क्लीन करना है, वॉश करने का है। तो फ्रेंड्स, शायद आप सोच रहे हो कि मैं आपको चावल कुक करना क्यों बता रही हूँ, तो कॉमन है, सबको आता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है। जो भी मैजिक मंत्र है अपने बॉम्बे का चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव वो यही है, अपने राइस में ही ये मैजिक मंत्र है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राइस ही बनाते हैं, और तो इसके लिए हम आज के जो तवा पुलाव के राइस है वो कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुकर गैस पर रख दिया है, और इसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है, और इसमें 1 टेबलस्पून जितना हमने ज़ीरा डाला है, जो इसको चटकने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा मरी डालेंगे, और 2 तेज पत्ता डालेंगे, और उसमें जो हमने जब राइस हमने जो क्लीन करके रखा है, अपना चावल क्लीन करके रखा है, वो डाल के एकदम उसको हमें सोते करना है। तब तक सोते करना है जब तक पूरा घी का कोटिंग अपने चावल में लग न जाए। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जब अपना चावल एकदम घी से कोट हो जाएगा तो अपना एक एक दाना एकदम खिला खिला सा होगा। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखो कि जब आप चावल कुकर में बना रहे हैं तो आपको एक ही सीटी लगाने का है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाने का, और जितना हमने चावल लिया है उतना ही पानी डालने का है, ज़्यादा पानी नहीं डालने का है यहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट भी डाल देंगे, और मैजिक मंत्र यहाँ पर ये है कि हमें चावल कम से कम 5 घंटा पहले बनाकर रख देना है, तभी हमको वो फ्लेवर मिलेगी, तभी हमको वो टेस्ट मिलेगा जो हमें चाहिए। बॉम्बे का फेमस चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव तभी हमारा बन पाएगा, जो ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि चावल हमको पहले से रेडी करके रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने चावल को कुकर की 1 सीटी होने तक हमने पकाया है, कुक किया है, तो अपने चावल अच्छे से कुक हो गए। हमने करीबन 80% जितना अपना चावल को कुक किया है, तो डोंट वरी, अपने चावल और भी 4-5 घंटे पड़े रहेंगे तो और भी खिला खिला सा दाना हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे अपनी रेसिपी की ओर। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो घर का सामान है उससे ही हम आज अपना तवा पुलाव बनाने वाले हैं, और वही जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं वही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं अपने इस तवा पुलाव में। कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो एकदम नया है, अलग है, तो बस आपको वही फॉलो करने का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक पैन में हमने थोड़ा ऑयल गरम कर लिया है, और उसमें हम एक आलू फ्राई करेंगे जो हम तवा पुलाव में यूज़ करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि तवा पुलाव में बॉयल आलू यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सेमी फ्राई किया हुआ आलू यूज़ करेंगे, क्योंकि सेमी फ्राई किया हुआ आलू में एक अलग ही मिठास होती है।
जो अपने रेसिपी के इस टेस्ट को एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगा। तो हम आलू को सेमी फ्राई करके साइड में रख देते हैं और हमने यहाँ पर वही ऑयल में थोड़ा एक टेबलस्पून जितना ज़ीरा डाल दिया और उसको चटकने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे जिंजर गार्लिक और चिली की पेस्ट। तो जितना आप तीखा पसंद करते हो उतना ही चिली की पेस्ट डालना। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 चॉप किया हुआ अनियन और उसको भी हम सोते करेंगे। तब तक हमें सोते करना है जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं टमाटर। तो उसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर लिए हैं और उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेनली जो टेस्ट है अपने तवा पुलाव का, जो खट्टापन है, जो एकदम चटपटापन है, वो टमाटर से ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करने की है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो हमने 1 कप लिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे गाजर, जो वो भी हमने 1 कप जितना लिया है। तो सबको अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे मटर, हरा वाला मटर जो हमने यहाँ पर वो भी 1 कप ही लिया है। तो सबको अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और सबको अच्छे से हमें सोते करने का है। और सबको अच्छी तरह से सोते करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे रूटीन मसाला, 1 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है। और सॉल्ट ऐड करना एकदम ध्यान से करना, क्योंकि हमने चावल में ऑलरेडी हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है। तो वही हिसाब से आप यहाँ पर सॉल्ट को ऐड करना। और यहाँ सबको अच्छी तरह से मध्यम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है सब वेजिटेबल्स को। और जो टमाटर में पानी रहेगा वो अपने आप से रिलीज़ होगा, तो अपने आप से सब सब्ज़ी पक जाएगी, कुक हो जाएगी। बस हमें अच्छी तरह से सबको मिला के मीडियम और मध्यम आंच पे हमें बस उसको 5 या 7 मिनट तक पकाना है, कुक करना है। तो फ्रेंड्स, करीबन 5 मिनट के बाद सब वेजिटेबल अपने अच्छे से कुक हो गए हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे अपना मैजिक मंत्र पाव भाजी मसाला, जो इस रेसिपी में डलता ही डलता है। तो हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना पाव भाजी का मसाला डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर डालेंगे रजवाड़ी गरम मसाला, जो अपनी रेसिपी को अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा। और जो भी मेन टेस्ट है अपने बॉम्बे का स्पेशल चटपटा चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव का, वो ये पाव भाजी मसाला और एक गरम मसाला से ही आएगा। तो हम अच्छे से सबको डाल के यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर इस स्टेज पे 1 लेमन जूस भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि तवा पुलाव में बॉम्बे का चौपाटी स्टाइल जो तवा पुलाव रहता है उसमें खट्टापन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हम ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अपने सब खिले खिले से चावल, जो एकदम अच्छे से हमने आगे से बना कर रखा है 3-4 घंटे पहले, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, जब भी आप चावल मिला हो तो हल्के हाथ से डालना। और सब, जब चावल मिलाने के बाद सब वेजिटेबल और चावल को एकदम हल्के से मिलाना, क्योंकि चावल की जात बहुत नाजुक होती है तो तुरंत ही टूट जाते हैं। तो हमें एकदम अच्छे से उसको आराम से मिलाना है, मिक्स करने का है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करने की चावल और वेजिटेबल को मिक्स करने में। और यस फ्रेंड, ये स्टेज पे हमें एक बड़ा बाउल भर के कोरिएंडर लीव धनिया भी डालना है, जो हरा वाला धनिया बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देता है इस रेसिपी को। और स्पेशली डाला जाता है धनिया बहुत ही बड़ा बाउल भर के, तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है अपनी इस रेसिपी को। तो फ्रेंड, बहुत ही जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं बहुत ही बढ़िया किए हैं और एकदम हेल्दी है। जो गाजर है, जो मटर है, टमाटर है और अपना ये धनिया है, तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है आज की। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है अपने ये बॉम्बे का फेमस चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव की, क्या अरोमा है यार। रियली हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करो, क्योंकि एक तो खुद अपने आप में एक वन पॉट मील है, जो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, नहीं दाल बनानी पड़ेगी, और फुल वेजिटेबल से भरी हुई ये रेसिपी एकदम हाइजेनिक तरीके से घर से बनाया हुआ ये बॉम्बे का फेमस चौपाटी स्टाइल तवा पुलाव। तो यस फ्रेंड, आज की अपनी ये रेसिपी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी आपको। हाय फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और पसंद कर रहे हो, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, सो यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज। तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है और आप भी कुछ बनवाना चाहते हैं हमसे,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट भी फुलफ़िल करने की। तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा जब आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे और हम आपके लिए कुछ रेसिपीज बनाएंगे। तो वेटिंग फॉर योर रिक्वेस्ट एनी। यह तो जल्द ही मिलती हूँ ऐसी धमाकेदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।